हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा जो है स्टॉक आज अच्छा गया या बुरा गया, क्या एनालिसिस हम लोगों ने किया था और हम लोग का ट्रेड चला या नहीं चला, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, आज जो है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो आज का दिन बेसिकली काफ़ी बोरिंग था। मार्केट आपने देखा ही होगा कि किस तरह आज जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी गया था, एकदम कम्प्लीटली साइडवेज चला गया था। उसके बाद आपने अगर नोटिस किया होगा, करीबन 2 बजे के आसपास हमें यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है हलचल देखने को मिला। तो रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि क्यों एक्चुअली वहाँ पे हुआ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी रात के 11 बज रहे हैं, इतना लेट वीडियो बनाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा बिजी रह गया था इसी वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का अपडेट दे देते हैं आज बेसिकली क्या हुआ था। आज हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ही चलते हैं, ठीक है। ये धन का जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे ट्रेड किया करता हूँ। सो अगर आप जो है यहाँ पे डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किए हो यार, तो ओपन कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे, आप हमारा टेलीग्राम जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर आपको फ्रीली एक्सेस दिया जाएगा। बट हाँ, आपको रेगुलरली वहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा तो ही जाके आपको एक्सेस मिलेगा। तो चलिए अभी जो है आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो है वॉच लिस्ट पर मैंने एक ही स्टॉक को ऐड करके रखा है यहाँ पे। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं पोजीशंस पे। पोजीशंस पे आप देखोगे तो यहाँ पे 200 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। आप कह सकते हो एक टाइप का मैंने स्कैल्पिंग किया है यहाँ पे। एक्चुअली मुझे एंट्री नहीं मिला था, मतलब मिला भी और एंट्री नहीं भी कह सकते हैं। थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पे मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा होगा बोल के, बट एनीवेज कहते हैं कि भाई जितना मिला है उतना काफ़ी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5.65 पे बाय किया और तुरंत सेल कर दिया। एक्चुअली ये जो मेरा ऑर्डर से आपको मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले ही ऑर्डर लगाने का कोशिश किया, बट वो जो है तुरंत का तुरंत मूवमेंट दे दिया। वो चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ था। और जो मेरा एक्चुअल में हुआ था, देखिए 311 को 314, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम था, अगर हम लोग को थोड़ा सा और सफिशिएंट टाइम मिलता तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता नीचे की तरफ डाउन मूव, तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। बट टाइम जो है लिमिटेशन था, और वैसे भी आज फ्राइडे था, तो मैं सोचा कि चलो जो मिला है एटलीस्ट उसी से ही खुश रहते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो पोजिशन, मैं एक बार इसको रिफ़्रेश भी कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये रिफ़्रेश हो रहा है, ये देखिए जो है यहाँ पे डे का 400 लगाया था, तो मैं 400 में निकालता, बट वहाँ पे क्या हुआ कि तुरंत वहाँ से जो है बाइंग आ गया। इस तरह का जो है आज जितना चार्ट फॉर्मेशन अगर हुआ है आप देखोगे तो किस तरह का जो है बहुत एग्रेसिवली बाइंग यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसको अगर 5 मिनट्स पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, देखिए ये कम्प्लीटली साइडवेज था, बट यहाँ से जो है 2 बजे के आसपास से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो अगर आप न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हो तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो हेडलाइंस है, जो इंडियन का शेयर सा राइज हुआ है महिंद्रा की वजह से, जो बूस्ट किया है, इसी वजह से जो है आज निफ्टी जो है थोड़ा सा यहाँ पे हाई मारने का स्टार्ट किया। वैसे भी अगर आप निफ्टी में भी जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको सेम ही चीज़ आपको दिखने लगेगा। ये देखिए 2 बजे के आसपास यहाँ पे आप देखोगे, ठीक 2 बजे के आसपास यहाँ पे आपको करेंटली यहाँ से ही आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जो है महिंद्रा आज जो है खेल गया। सो रीज़न था जो आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है रिसर्च हमने शेयर किया था इस लेवल पे 197.45 और स्टॉप लॉस 200 का था। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया है, अभी भी वही लेवल पे ही आप देख सकते हो 197.85, थोड़ा सा जस्ट एंट्री के ऊपर ही है, और स्टॉप लॉस हमारा हिट तो नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन जो बायर्स हैं, ठीक है, ऑप्शन बायर्स है, ऑप्शन सेलर्स हो, तो यहाँ पे उन लोगों ने जो यहाँ पे इस वाले कैंडल पे ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो सडन 5 मिनट्स में किस तरह का फॉल हुआ। तो यहाँ पे मेरा एंट्री जो है मिस हो गया। तो मेरा एक्चुअल एंट्री था, मैं इसके अकॉर्डिंग में गया था 197.45। तो जैसे ही यहाँ पे 197.45 हुआ, मैंने वहाँ पर एंट्री किया, और वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऑप्शंस में लेट एंट्री मिलने की वजह से जो है आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो मेरा एंट्री था यहाँ पे समथिंग ऑर्डर पे चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए 15th 11th को यहाँ पे जो है 15th 11 PM को
मतलब 3:11 पे एग्जीक्यूशन हुआ। अभी जो है इतना डेरी उसको रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो निकाल देते हैं, जो मिला मिला। तो एनीवेज ये अभी हम लोग रडार पे रखने वाले हैं, ठीक है। अभी भी ये हम लोग का एंट्री पॉइंट पे ही है और स्टॉप लॉस तो अभी तो हिट नहीं किया है, तो इस लेवल को हम लोग को देखना पड़ेगा मंडे किस तरह का रिएक्ट करता है। अगर हमें यहाँ यही पॉइंट से ही रिएक्शन नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो अभी तक ये जो है एंट्री हमारा वैलिड है, ठीक है। प्रॉपर रिएक्शन दिया नहीं है तो मैं उसको दोबारा से ट्रेड करना चाहूँगा इस लेवल को, ठीक है। तो आज बस यही लेवल हमारा एग्जीक्यूट हुआ था और दूसरा लेवल हमारा जो अलर्ट आया था, ये वाला स्टॉक आया था टोरेंट फार्मा, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ तो टोरेंट फार्मा आज हमारा अलर्ट आया था। देखिए क्यों अलर्ट आया था आप देख सकते हो। पहले इसका प्राइस था 3000 के आसपास या 2900 के आसपास, अभी इसका प्राइस हो गया 1400 के आसपास, जो इतना बड़ा डिफरेंस आप देख पा रहे हो। ये बेसिकली इसको जो है स्टॉक का जो प्राइस है वो स्प्लिट हो गया था, इसी वजह से जो है आपको ये प्राइस दिखा रहा है और यहाँ पे आपको 50% डाउन दिखा रहा है। तो इसी वजह से जो है वो हम लोग का फॉल्स जो ट्रिगर होता है ना अलर्ट, वो हमारा यहाँ पे शो हो गया था। तो बस यहाँ पे भी मैंने एक प्रॉपर मार्क किया था, बट इसका वजह से जो स्प्लिट हो गया वो मुझे अभी फिर से इसको प्रॉपर एक एरिया देख के मुझे मार्क करना पड़ेगा। तो इसका आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो उसका अभी इग्नोर करके चलो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये अभी ट्रेड करने लायक नहीं है। यहाँ पे एक परफेक्ट जो प्राइस एक्शन बनने दीजिए यहाँ पे, उसके बाद मैं खुद यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं, और बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ है, आपको बस वहाँ पे फॉलो करनी इंस्ट्रक्शन जैसे आपको दिया गया है। और आज तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो मिला एटलीस्ट, है ना, तो इसी से ही खुश रहते हैं। और बाकी कल जो है मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाऊंगा जो कि मुझे लगता है कि वो चलने वाला है, क्योंकि उसके सारे स्टॉक्स भी है जो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन पे आ रहे हैं। और अभी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिर्फ एक ही व्यू देना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी जो है अभी रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है। जैसे कि निफ्टी का ही बात कर लेते हैं, 16200 के आसपास देखिए आज गैप अप ओपन किया, वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला। सो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि 16200 का जो है लेवल आप देख पा रहे हो, इसके नीचे अगर कंटिन्यूसली जाता है तो हमें फिर से जो है यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बट अगेन इसका ऊपर अगर निकलता है तो हम कह सकते हैं एक तरफ से कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो है हमारा रिवर्स चले जाएगा ट्रेंड और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल सके कि भाई ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, कैसे होता है सभी चीज़ें। और अगर हाँ, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, धन पे आप जाके ओपन कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी, ट्रेडिंग व्यू जो है आपको प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा आपको इजीली, वहाँ पे बहुत सारी मतलब अगर आप मल्टीपल चार्ट्स यूज़ करते हो तो वो भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं इसका आई बटन पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो बस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर।